बेटा हुण आपां 10वीं क्लास दा अध्याय 4 दो घाती समीकरण दे विच दो घाती समीकरण दे मूलां दी प्रकृति बारे जाणांगे, जिसनूं आपां इंग्लिश विच नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, मूलां दी प्रकृति बारे पता होना बहुत जरूरी है। देखो तुसीं साडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिहड़ी हुंदी है दो घाती समीकरण इस तरह दी हुंदी है, ए एक्स दी 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। फिर असी डी पता करते हैं, तो मैं दो घाती सूत्र भी समझा चुका है कि डी पता करने लिए बी दी 2 माइनस 4 इस एक फॉर्मूला होंदा है, जिस विच बी दी था बी दी वैल्यू ते ए ते सी दी वैल्यू भर के आपां पता किया जाता है। हुण डी ही सानू दसदा है कि साडे मूलां दी प्रकृति की है। जेकर तुहाडा डी 0 तो वड्डा आंदा है, कुछ भी आवे पर 0 तो वड्डा आवे, 2 4 10 15 20 18, तो मूल वास्तविक अते वख-वख होणगे, वास्तविक भी होणगे ते वक् वक् वखरे वखरे होंगे। दो आंसर्स रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। लेकिन जेकर तुहाडा डी दा आंसर 0 ही आ जाए, बिल्कुल 0, तो आप कहने हैं मूल वास्तविक ते बराबर होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन जेकर डी दा आंसर माइनस विच आ जाए, घटाओ दे निशान लगाओ डी दे आंसर दे नाल, तो रूट्स आर नॉट रियल, मूल वास्तविक नहीं हन। इस तो बाद मैं तुम्हें एक फार्मूला होर करवाया सीगा, याद होएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्ग मूल डी बटा 2 है, जिसनों असी दो घाती सूत्र बोलते हैं। की बोलते हाँ? दो घाती सूत्र जा क्वाड्रैटिक फॉर्मूला। ये याद रखना इस गल का कि ये जिहड़ा फार्मूला है ये सिर्फ इन्हां दो केसां विच लगता है, बस इस गल का ध्यान रखना है। जदों मूल वास्तविक नहीं हन, मतलब डी घटाओ दा आ गया, तुसीं इह फार्मूला नहीं लगा सकदे, तुसीं लिखोगे सवाल दे इस सवाल दे मूल वास्तविक नहीं हन ते सवाल अगे हल नहीं हो सकदा, उहनूं आपां हल नहीं कर सकदे। इस गल दा ध्यान रखना, जदों भी दो घाती सूत्र लगाना है तां डी कढ के जरूर देखना है कि कत्ते डी माइनस च तां नहीं आया, जे डी माइनस च आया तां तुसीं सवाल उत्थे ही छड्ड देना है, अगे नहीं करना है। जेकर डी वड्डा आ गया 0 तों जां 0 दे बराबर आ गया तां तुसीं सवाल नूं हल करना है। हुण मैं तुहानूं मूलां दी प्रकृति दसदा कि किस तरीके नाल असीं चैक करदे हां। मैं तुहानूं 3 सवाल दूंगा, तिन्हां सवालां दे नाल असीं मूलां दी प्रकृति नूं चैक करांगे। देखो बेटा तुहाडे कोल 3 सवाल ने, पहले सवाल दे विच देखो ए किन्ना है, ए तुहाडे कोल है 2, क्योंकि एक्स दी 2 दे नाल जो भी हुंदा है उह ए हुंदा है। बी तुहाडे कोल किन्ना है, माइनस दा 6, तो सी तुहाडे कोल किन्ना है 3। इस गल दा ध्यान रखना है कि एक्स दी 2 दे नाल ए हुंदा है, एक्स नाल बी ते बगैर एक्स दा सी। हुण असीं डी दा फार्मूला लिखांगे जो कि साडे कोल हुंदा है बी दी 2 माइनस 4 ए सी। इहदा मतलब बी है साडे कोल माइनस 6, उस दे उत्ते घात 2 लगेगी, माइनस 4 ए साडे कोल 2 है, सी साडे कोल 3 है। मैं तुहानूं दस्सिया सी माइनस दे उत्ते घात 2 होवे तां माइनस माइनस प्लस हो जांदा है, 6 दी घात 2 हुंदी है 6 छिका 36, माइनस 4 दुनी 8 8 होती है 24, तो 36 के 24 घटाए वड्डी रकम तो छोटी घट रही है, बिल्कुल ठीक 12, वो भी प्लस का आंसर आया है 12, जो कि 0 तो वड्डा हुंदा है, 12 हमेशा 0 तो वड्डा हुंदा है ना। इसका मतलब साडे कोल जिहड़ा मूलां दी प्रकृति की आई है कि मूल साडे कोल की होणगे, वास्तविक ते वख-वख होणगे। ठीक है ना बेटा, जे डी तुहाडा 0 तो वड्डा आ रहा है तो मूलां दी प्रकृति लिखनी है मूल वास्तविक ते वख-वख, जां रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। जे सिर्फ सवाल इन्ना ही है कि मूलां दी प्रकृति पता करो तो बस सवाल इन्ना खत्म हो चुका है। अगला सवाल देखो, ए तुहाडे कोल किन्ना है 6, बी है तुहाडे कोल माइनस दे 12 ते सी है तुहाडे कोल 6। हुण तुसीं सब तो पहला की पता करोगे, डी पता करोगे। डी का फार्मूला तुहाडे कोल हुंदा है बी दी 2 माइनस 4 ए सी, इहदा मतलब माइनस 12 दी घात 2 माइनस 4 गुणा 6 गुणा 6। मैं दस्सिया माइनस दे उत्ते घात 2 लगी होवे तो माइनस खत्म हो जाता है, 12 दी घात 2 का मतलब हुंदा है 12 गुणा 12, तुसीं गुणा करके देख सकते हो, 12 नूं जे 12 नाल गुणा किया जाए तो 144 प्राप्त हुंदा है, माइनस 6 चौका 24, 24 छिका 20, 144 हुंदा है, तुसीं गुणा करके देख सकते हो, इहदा मतलब सानूं आंसर किन्ना मिल गया है, 0 मिल गया है। तो जदों डी 0 दे बराबर आ जाए तां असीं लिखदे हां मूल वास्तविक ते बराबर। असीं देख चुके हां जदों डी 0 दे बराबर आ जाए तां असीं लिखदे हां मूल वास्तविक ते बराबर हन। ये मूलां दी प्रकृति तुहानूं याद होनी चाहिए बेटा, तो हुण असीं लिखांगे मूल वास्तविक ते बराबर हन।
अगला सवाल देखो बेटा, इस सवाल तो ए हैगा 2, बी है -3 ते सी है 5। तो असं हूँ डी का फॉर्मूला लिखन लगे हैं, वो होंगे है बी दी 2 -4 ए सी, बी है -3 4, ए तुहाडे कोल 2 है देख सकते हो, तो सी तुहाडे कोल 5 है। माइनस के उत्ते घात 2 लगे हुए खत्म हो जाता है, 3 की घात 2 होंगे 9, 3 ती है 9 माइनस 4 दुनी 8 5 40। हूँ देखो छोटी दे विचों वड्डी घटती पई है, कटाओ हो गए 31 आया, पर वड्डिया का मान वड्डी का चिन्ह लगेगा माइनस का। इस तरह साडा डी जिहड़ा है वह माइनस में आ गया है, तो असं की लिखा मूल वास्तविक नहीं हैं। तो इस तरह से लिख लिया मूल वास्तविक नहीं हैं जां रूट्स आर नॉट रियल। इस गल का ध्यान रखना बेटा, जो तुहानूं सवाल आएगा इस तरीके का इदा लिखा है कि दो घाती समीकरण की शिफरां की प्रकृति पता करो, एग्जामिन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इदा एक क्वेश्चन दी होएगी तो ना लिखा होएगा कि दो घाती समीकरण की शिफरां की प्रकृति पता करो, तो तुसीं इत्थे प्रकृति लिख ली है, ये तुहाडा आंसर हो गया है, इस तों अगे कुछ नहीं करना। जेकर वो लिखता है कि प्रकृति पता करन तों बाद उस नूं जेकर मूल वास्तविक हन तो हल भी करो, फिर असी अगे अपना फॉर्मूला लावांगे दो घाती सूत्र का, जदों हल करो कहेगा। जे सिर्फ प्रकृति पता करन दी गल कर रहा है तो सिर्फ ये प्रकृति पता की है, तुसी यही प्रकृति हुंदी है, इस गल का बिल्कुल ध्यान रखना है। हुण आपां अगे सवाल करांगे जिस विच असी प्रकृति भी पता करांगे ते नाल नाल मूल भी पता करांगे, ध्यान नाल देखना तुसी सारे ने। हुण देखो बेटा सवाल लिख रहा है कि हेठ लिखिया दो घाती समीकरण के मूल संभव होण तां इन्हां नूं दो घाती सूत्र की विधि नाल पता करो। संभव कदों हुंदे ने, जदों साडे कोल मूल वास्तविक हुंदे ने, इस गल दा ध्यान रखना है, जदों मूल वास्तविक हो तां ही उह संभव हो सकदे ने। इस करके सब तो पहला असीं मूलां दी प्रकृति पता करांगे, उस तो बाद ही उसका दो घाती सूत्र लावांगे, ठीक है ना। हुण ध्यान नाल देखना सारिआं ने, सब तो पहला साडे कोल ए किन्ना है 2 है, बी किन्ना है -7 है, सी किन्ना है 3 है, तो असीं की पता करांगे डी दा फॉर्मूला, बी दी 2 -4 ए सी। हुण आपां इत्थे डी दी विच बी दी वैल्यू -7 4 ए सी, ए किन्ना है साडे कोल 2 ते सी किन्ना है साडे कोल 3, सारी वैल्यूज भर लिया हन। हुण माइनस दे उत्ते घात 2 लगी होवे प्लस बन जांदा है, ते 7 दी घात 2 7 7 49 हुंदा है, -4 दुनी 8 8 तिया 24, तो 49 वड्डी रकम है, 49 दे विचों 24 घटाने ने, बिल्कुल सही, आपां 49 दे विचों 24 घटा के देख सकते हैं, रफ काम दे विच सानूं 25 प्राप्त होया है, जो कि 0 तो वड्डा हुंदा है। इहदा मतलब साडे जिहड़े मूल ने वो वास्तविक ते वख वख हन। असीं लिखांगे अपने मूलां दी प्रकिरति बारे, असी लिख लिया है। हुण जे मूल संभव हो गए ने, वास्तविक हैगे है, तो असी हुण दो घाती सूत्र भी लिखांगे, जिहड़ा कि x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2 ए हुंदा है। तो x बराबर है, मैं तुहानूं दस्सा b दे नाल माइनस लगा है, तो b नूं जदों एक माइनस देवांगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल d दे विच 25 लिखांगे बटा 2 ए साडे कोल 2 है, तो एक्स तुहाडे कोल आ गया 7 प्लस माइनस। हुण 25 दा कितना पता करते हैं, तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि 25 लई तुसीं 1 तों लैके 9 तक दा वर्ग लिखना है। देखो बेटा 25 आ गया ना, 25 किहदे करके आया, 5 × 5 = 25 हुंदा है, इहदा मतलब वर्गमूल 25 की होएगा, 5 होएगा। हुण वर्गमूल नहीं पाउणा, तुसीं ध्यान रखना 5 × 5 = 25 है, तो वर्गमूल 25 5 हुंदा है, 2 × 2 = 4। हुण तुसीं एक वारी प्लस एक वारी माइनस दो वारी रकमां नूं लिखना है, मतलब 7 × 5 = 4 कौमा 7 − 5 = 4, लगी समझ। हुण तुसीं एक वारी जोड़ना है एक वारी घटाना है, तो 7 × 5 = 12 तो 2/4 साडा इस सवाल का आंसर होएगा। जे तुहानूं कटिंग चंगी तरह आती है तो 4 दे पड़ते कट सकते हो, 4 × 4 = 12, 2 × 2 = 2, 2 × 4, जे नहीं तो तुहाडा उही आंसर सीगा, उही आंसर भी छड्ड के तुसीं आ सकते हो। इस तरह बेटा असीं मूलां की प्रकृति पता की कि वह वास्तविक हैगे है कि नहीं है, जे वह वास्तविक हैगे है इहदा मतलब संभव होणगे तां असीं अगे सवाल भी करना है। इदां ही दूजा भाग देखो ध्यान नाल, अगला सवाल दे विच बैठ सको, ए किन्ना है 2 है, बी साडे कोल 1 है, ते सी साडे कोल -4 है, ते डी दा फार्मूला साडे कोल हुंदा है बी दी 2 -4 ए सी। तो डी किहदे बराबर आ गया, बी मतलब 1 दी घात 2 -4, ए साडे कोल 2 है, सी साडे कोल -4 है, तो -2 हो गए ना, माइनस माइनस जो भी गुणा करते वे 2 माइनस होंगे ने प्लस बन जाते हैं, 4 × 2 = 8 8 = 32,
इस तरह साढ़े को आ गया है एक ते बत्ती किन्ने हो गए 33 हो गए ने बेटा, जो कि जीरो तो वड्डा होंदा है। इहदा मतलब मूल साढ़े को की होणगे वास्तविक ते वक् वक्। आप लिख लिया है मूल वास्तविक ते वक् वक् हन, इहदा मतलब मूल संभव हो गए ने, इस करके असीं अपना फॉर्मूला लिख लिया है। हुण बी दे कोल माइनस दा चिन्ह है ते बी कोल माइनस दा चिन्ह लगेगा तो की आ गया माइनस एक प्लस माइनस वर्गमूल 33 बटा 2, ये साढ़े को 2 है। हूँ 33 देखो एक दो दुनी 4 3 3 9 4 चौके 16 पंजू पंजा 25 6 छिक 36 36 आ गया, मतलब 33 नहीं आता, यहाँ मतलब 33 का वर्गमूल नहीं टूटेगा। माइनस एक जमा वर्गमूल 33 बटा 4 तो माइनस एक घटाओ वर्गमूल 33 बटा 4 ही तुहाडा इस सवाल का आंसर होएगा। इतने वर्गमूल नहीं टुटेगा बेटा, बहुत ही सौखे ढंग खत्म कर लिया आप सवाल। आप मूलों की प्रकृति भी पता कर रहे हैं तो उसके मूल भी पता कर रहे हैं। हुण इत्थे बेटा देखो ए का मूल साढ़े को 4 है, बी साढ़े को 4 वर्गमूल 3 है, तो सी साढ़े को 3 है। डी का फॉर्मूला सानू याद हो चुका है, बी दी 2 माइनस 4 ए सी 4 वर्गमूल 3 आ साढ़ा बी सीगा, ए साढ़े को 4 है तो सी साढ़े को 3 है। मैं दस्या सी 4 की घात 2 16 होंदा है तो वर्गमूल 3 की घात 2 3 होंदा है। 16 ते 3 16 3 48 4 चुके 16 3 भी 48 आंसर आ गया बेटा 0। यदा मूल मतलब की होया मूल वास्तविक ते बराबर, बेटा आप लिख लिया है कि मूल वास्तविक ते बराबर हैं। तो मैं तुम्हें कहा ही जो भी आंसर माइनस आएगा उदों नहीं तुसी काम करना, जीरो दे विच भी तुसी फार्मूला लगाना है। बी दे अगे माइनस लगा है, जैसे ऊपर नूं माइनस दवांगे तो माइनस 4 वर्गमूल 3 बन जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल दे विच 0 बटा 2 ए, ए साढ़े को 4 सीगा तो आंसर आ गया माइनस 4 वर्गमूल 3, 0 का वर्गमूल 0 होंदा है, प्लस माइनस 0 बटा 8। मैं तुम्हें दस्या सी 0 ना जुड़दा ना घटदा, माइनस 4 वर्गमूल 3 जमा 0 बटा 8, माइनस 4 वर्गमूल 3 घटाओ 0 बटा 8, ना ही जुड़ता है ना ही घटता है, तो मतलब माइनस 4 वर्गमूल 3 बटा 8 तो माइनस 4 वर्गमूल 3 बटा 8 ही तुहाडा आंसर होएगा। देखो दोनों बराबर आए हैं, वास्तविक भी हैं तो बराबर भी होंगे, ये तुहाडा इस सवाल का आंसर होएगा बेटा। बट इत्थे ए दी वैल्यू तुहाडे कोल 2 है, बी 1 है, तो सी 4 है, तो डी का फॉर्मूला तुहानू पता है, बी दी 2 माइनस 4 ए सी हुंदा है। इहदा मतलब एक की घात 2 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 4 आएगा, तो एक माइनस 4 दुनिया 8 चुका 32, तो हुण एक छोटा है माइनस दे 31 आए ने जो कि 0 तो छोटा है। इस तरह आप की लिखांगे मूल वास्तविक नहीं हैं, तो मैं तुहानू दस्या सीगा कि जे मूल वास्तविक ना हो तो आप अगे नहीं जाते, इहदा मतलब मूल साढ़े कोल संभव नहीं होणगे। क्लीयर बेटा सारा नूं कि मूल साडे कोल संभव नहीं हन। इस तरह अपना सवाल कंप्लीट हो गया है, उम्मीद कर रहा तुहानूं समझ आई होगी। जे किसी बच्चे ने मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दिओ, तुहानूं मेरी आने वाली वीडियोज़ तुहाडे फोन ते शो हो जाणगीआं।